ओम नमो नारायण। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप कोई भी साधना को पूर्ण कर सकते हैं, कोई भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, अगर आपके गुरु नहीं हैं। जिस मंत्रों में, जिस साधना में गुरु की आवश्यकता पड़ती है, तो किस प्रकार से आप शिव को अपना गुरु मान सकते हैं, शिव को अपना गुरु स्वीकार कर सकते हैं, और किस प्रकार से उनसे प्रत्येक वह कार्य करवा सकते हैं, प्रत्येक वह विधि कर सकते हैं जिसमें आपको गुरु की आवश्यकता पड़ती है। आपकी कोई भी समस्या है, कोई भी अर्जी आप लगाना चाहते हैं, तो किस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव को अपना गुरु स्वीकार के उनसे वह तमाम कार्य करवा सकते हैं जो कार्य आपके गुरु आपके लिए करते हैं। इस पूर्ण विधि को जानने के लिए वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से सुनें, क्योंकि कोई भी जानकारी हो अगर अधूरी ली जाएगी तो कार्य कभी पूर्ण नहीं होगा। तो यह बहुत से दर्शक हमारे जानना चाह रहे थे कि अगर उनके गुरु नहीं हैं तो किस प्रकार से वह अपना कार्य करें, किस प्रकार से किस व्यक्ति को अपना गुरु स्वीकारें। तो मैं किसी व्यक्ति को गुरु स्वीकारने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि इस व्यक्ति को अपना गुरु बनाएं या उस व्यक्ति को अपना गुरु बनाएं या हमें अपना गुरु बनाएं। आप स्वयं भोले शंकर को अपना गुरु बनाएं। उसकी पूर्ण विधि क्या है, संपूर्ण जानकारी क्या है, यह इस वीडियो में देने जा रहे हैं। वीडियो को ध्यान से सुने। उससे पहले मेरा सभी दर्शकों से अनुरोध है, जो भी व्यक्ति चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा हमारी वीडियो को देख रहे हैं, वह वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी ही बेहतरीन जानकारियां समय समय पर आपको हमारे माध्यम से इसी चैनल के द्वारा दी जाएंगी। तो इसको लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हमारा फेसबुक पेज है 1008 उपाय के नाम से, उसको अवश्य लाइक कर दें, क्योंकि वहाँ पर आप जो भी वीडियो देखना चाहते हैं उसकी जानकारी हमारे तक पहुँचा सकते हैं कि हम यह वीडियो देखना चाहते हैं। उस वीडियो को बनाने का जल्द अति जल्द प्रयास हमारे द्वारा किया जाएगा। और जो कमेंट में कोई भी व्यक्ति अपना नंबर छोड़ता है कि यह गुरु जी का नंबर है, उनसे बात करें, तो उनसे सतर्क रहें, ऐसे लुटेरों से सतर्क रहें। हमारा कोई भी नंबर कमेंट में नहीं दिया जाता, हमारा जो भी नंबर है वह वीडियो की स्क्रीन पर दर्शाया जाता है, जो कि अभी भी दर्शाया जा रहा है। आप अगर किसी भी परेशानी से परेशान हैं या कोई भी सुझाव चाहते हैं, हमसे संपर्क करना चाहते हैं, तो हमारे इसी नंबर पर व्हाट्सएप करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, अब इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं कि किस प्रकार से भगवान शिव को आप अपना गुरु स्वीकार सकते हैं, किस प्रकार से उनसे प्रत्येक वह कार्य करवा सकते हैं जो आप अपने गुरु के द्वारा करवाना चाहते हैं। मित्रों, आज के युग में अधिसंख्यक गुरु ऐसे हो गए हैं जिनसे उनके शिष्य व्यक्तिगत रूप से कभी मिल ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसे शिष्य जीवन भर गुरु से मिलने के लिए झटपटाते रहते हैं, अपनी जिज्ञासाओं को लेकर इधर उधर भटकते रहते हैं। गुरु भटकाव खत्म करने के लिए धारण किया जाता है, ना कि भटकाव बढ़ाने के लिए। जीवन के भटकाव को खत्म करने के लिए शिव से श्रेष्ठ गुरु कोई नहीं। सुखी जीवन के लिए शिव को गुरु बनाएं, उनसे अपने सवालों के जवाब मांगने, समस्या के समाधान के लिए, कामना पूर्ति के लिए और देव दूतों की सहायता के लिए आग्रह करके आप इस विधि द्वारा यह सभी कार्य कर सकते हैं। तो एक बार कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर, जय शिव शंभू। मित्रों, तमाम साधकों ने भगवान शिव को गुरु बनाने की विधि पूछी है और जानना चाहा है कि इसके लिए कहाँ जाएं, किससे मिले, किससे बात करें। कुछ लोगों ने पूछा है कि भगवान शिव को गुरु बनाने से क्या फ़ायदा होगा, भगवान शिव तो सबके हैं, सब उनके हैं, उन्हें पाने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। मित्रों, किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं, किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं। शिव शिष्य होने के नाते हम मात्र आपके गुरु भाई हैं। जो शिव ज्ञान अब तक प्राप्त हुआ है उसके अनुरूप आपको विधि बता रहे हैं, जिससे आप घर बैठे ही भगवान शिव को गुरु बना लेंगे और उन्हें
प्राप्त कर लेंगे। उनसे अपने सवालों के जवाब, समस्या का समाधान, कामना पूर्ति, यह सभी आग्रह घर से ही कर सकेंगे। कुछ व्यक्तियों का सवाल है कि भगवान शिव को गुरु बनाने की जरूरत क्यों है, इससे लाभ क्या है। मित्रों, पहली बात तो यह है कि किसी को भी लाभ के लिए गुरु नहीं बनाया जाता, बल्कि गुरु की सकारात्मकता प्राप्त करके लोक परलोक सुधारने के लिए गुरु धारण करने की आवश्यकता होती है। भगवान शिव से अधिक सकारात्मक कहीं और नहीं। गुरु रूप में उन्हें धारण करके इस लोक के सुखों को भोगते हुए मोक्ष तक पहुँचना आसान है। अब जानते हैं घर बैठे शिव को गुरु बनाने का विधान क्या है। सबसे पहले किसी भी सोमवार को साफ सुथरे स्थान पर आराम से बैठ जाएं। एक आसन लेके बैठ सकते हैं। सुविधा के लिए अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पर, सोफे पर भी बैठ सकते हैं। साफ सुथरे स्थान पर अगर आप नहीं बैठ सकते नीचे तो ही, और भगवान शिव से कहें, हे देवों के देव महादेव और गुरुओं के गुरु भगवान शिव, आपको मेरा प्रणाम है। ब्रह्मांड के प्रति मुझसे जाने अनजाने हुए अपराधों को क्षमा करके मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे दोषहीन करें, मेरे अनाहत चक्र को सुखमय शिवाश्रम बनाकर उसमें विराजमान हो और सदैव यहाँ वास करें। सुख और प्रसन्नता के केंद्र अनाहत चक्र में भगवान शिव की शक्तियों का वास होता है। यह मन की गति से सभी सवालों के जवाब प्राप्त करने में सक्षम होता है। इसलिए उनसे कहें, मेरे अनाहत चक्र को सुखमय शिवाश्रम बनाकर उसमें विराजमान हो और सदा यहाँ वास करें। और शिष्यता का आग्रह यही होना चाहिए भगवान के प्रति कि भगवान शिव से कहें, मैं आपको अपना गुरु धारण कर रहा हूँ, आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें, मेरे जीवन में स्थापित हो जाएं, मुझे शिव ज्ञान दे। इस वाक्य को आपने 3 बार दोहराना है, जिस प्रकार से मैं आपको दोहरा के दिखाता हूँ। मैं आपको अपना गुरु धारण कर रहा हूँ, मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें, मेरे जीवन में स्थापित हो जाएं, मुझे शिव ज्ञान दे। मैं आपको अपना गुरु धारण कर रहा हूँ, आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें, मेरे जीवन में स्थापित हो जाएं, मुझे शिव ज्ञान दे। मैं आपको अपना गुरु धारण कर रहा हूँ, आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें, मेरे जीवन में स्थापित हो जाए, मुझे शिव ज्ञान दें। इस प्रकार 3 बार बोलते हुए फिर भगवान शिव से कहे, मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करने के लिए आपका धन्यवाद। आपको साक्षी बनाकर मैं इसकी घोषणा अंतरिक्ष में कर रहा हूँ, ताकि अंतरिक्ष की शक्तियाँ मुझे शिव शिष्य के रूप में पहचान सकें। फिर दोनों हाथ ऊपर की ओर उठाकर यह घोषणा करें, शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। तथास्तु। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस सभी प्रक्रिया सिर्फ एक ही बार अपनानी है। जिस तरह आप किसी भी गुरु से नाम लेते हैं, उनका गुरु मंत्र लेते हैं, और शरीरधारी गुरु एक ही बार कान में उस मंत्र को फूंक कर गुरु बन जाता है, उसे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं होती। उसी प्रकार से यह वाक्य आपने एक ही बार दोहराना है, इसे बार बार ना दोहराएं। एक ही बार यह दोहरा दे, अब उसके बाद गुरु दक्षिणा की बारी आती है, और रोज किस प्रकार से शिव ज्ञान प्राप्त किया जाएगा उसकी बारी आती है, अपने सवालों के किस प्रकार से उनसे जवाब लिए जाएंगे उसकी बारी आती है। अब आपने यह वाक्य दोहरा के उसके बाद शिव गुरुजी से शिव ज्ञान प्राप्त करने का आग्रह रोजाना करना है। रोजाना यह वाक्य दोहराना है, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरा नमन स्वीकारें, मुझे अपनी शरण में ले लें, मुझे शिव ज्ञान प्रदान करें। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरा नमन स्वीकारें, मुझे अपनी शरण में ले लें, मुझे शिव ज्ञान प्राप्त करें। इस तरीके से रोजाना यह वाक्य दोहराना है, और गुरु दक्षिणा के रूप में राम नाम का जाप आपने भेंट करना है। भगवान शिव को राम नाम बहुत प्रिय है, वह सदैव राम नाम का चिंतन करते रहते हैं।
इसलिए गुरु दक्षिणा के रूप में उन्हें रोज 5 से 10 मिनट अवश्य निकालें उनके लिए। उन्हें कहें, हे मेरे गुरुदेव, आपको प्रणाम है। आपको साक्षी बनाकर मैं गुरु दक्षिणा के रूप में आपको राम नाम सुना रहा हूँ। मेरे मन मंदिर में विराजमान होकर राम नाम सुने, प्रसन्न हो और मुझे निरंतर शिव ज्ञान प्रदान करें। उसके बाद 5 से 10 मिनट जितना भी आपके पास समय हो उसमें से राम नाम का जाप करें और वह शिव को समर्पित करें। अब जानते हैं मित्रों शिव शिष्यता के नियम। भगवान शिव भोले भंडारी हैं, वह किसी पर कोई नियम नहीं थोपते। गलती होने पर भी अपने शिष्य को सीख देकर सुधारने की अवसर देते हैं, सजा नहीं देते। वह चाहते हैं कि उनके शिष्य किसी के लिए दुख का कारण ना बने, इसलिए गिने चुने प्रतिबंध निभाने होते हैं। जैसे कि किसी की आलोचना ना करें, किसी के बारे में कुछ गलत तर्क ना करें, कुछ पीठ पीछे उनकी बातें ना करें गलत, और गैर जरूरी तर्क से बचें। जहाँ ज़रूरत हो, जब ज़रूरत हो तभी बोले, ऐसा नहीं कि बेमसले में पढ़कर आप उसे अपना मसला बना लें। और शिव गुरु से अपने सवालों के जवाब का आग्रह किस प्रकार करें, उनसे सवाल जवाब आप किस प्रकार करेंगे, यह जानते हैं। मित्रों कोई भी शिष्य अपनी जिज्ञासाओं के लिए अपने गुरु की ओर निहारता है, उनसे अपने सवालों के जवाब पाने की उम्मीद रखता है। आप भी शिव गुरु से अपने सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं, और उनसे पूछा गया कोई भी सवाल अनुत्तरित नहीं रहता। उचित समय पर परोक्ष या अपरोक्ष रूप से हर सवाल का जवाब मिल ही जाता है, और अनाहत चक्र मन की गति से काम करता है। वहाँ आमंत्रित शिव शक्तियाँ ब्रह्मांड से सवालों के जवाब मन की गति से ले आती हैं। उन्हें डिकोड करने में जितना समय लगता है वही समय जवाब पाने में लगता है। और आगे मैं जो तकनीक बता रहा हूँ उसका जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतनी ही सटीकता से अपने सवालों के जवाब समझ सकेंगे। अब जानते हैं शिव गुरु से अपने सवालों के जवाब पाने की विधि। मित्रों सुविधाजनक स्थिति में शांत मन से बैठ जाएं और 16 बार लंबी और गहरी सांस लें। इस प्रकार से फिर शिव गुरु से अपने जवाब का आग्रह करें और कहें कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरा नमन स्वीकार करें, मुझे अपनी शरण में लें, मुझे शिव ज्ञान दें। आपको साक्षी बनाकर आपके समक्ष अपना सवाल रख रहा हूँ, इसे स्वीकार करें और मुझे इसके जवाब से अवगत कराएं। आपका धन्यवाद। इसे 3 बार दोहराएं, फिर अपना सवाल उनसे कहें। और ध्यान रहे सवाल स्पष्ट होना चाहिए, एक सवाल में कई सवाल शामिल ना हो। और पूछने के बाद इत्मीनान से इंतज़ार करें, डायरेक्ट या किसी न किसी रूप में जवाब आपको अवश्य मिलेगा। और जवाब पाने के लिए अपना टाइम टेबल निर्धारित ना करें, जवाब के लिए मन में व्याकुलता ना रखें, अन्यथा अवचेतन शक्ति भ्रमित होगी जिससे आप जवाब डिकोड नहीं कर पाएंगे और ऐसा लगेगा कि सवाल अनुत्तरित है, कि उस सवाल का जवाब आया नहीं है, ऐसा आपको लगेगा। और शिव गुरु से अपनी कामना पूरी करने का आग्रह किस प्रकार करें यह जानते हैं। मित्रों युगों से शिव गुरु अपने शिष्य की कामनाएं पूर्ण करते हैं, इसके लिए सुविधाजनक स्थिति में शांत मन से बैठ जाएं और उसी प्रकार 16 बार लंबी और गहरी सांस लें। फिर शिव गुरु से अपनी कामना पूरी करने का आग्रह कहें इस प्रकार से, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरा नमन स्वीकार करें, मुझे अपनी शरण में लें और मुझे शिव ज्ञान दें। आपको साक्षी बनाकर आपके समक्ष अपनी कामना प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसे स्वीकार करें और इसे साकार करें। आपका धन्यवाद। इसे 3 बार दोहराएं, फिर अपनी कामना उनसे कहें। और ध्यान रखें कामना स्पष्ट हो, एक कामना में कई कामनाएं ना जुड़ी हों। शिव गुरु से कहने के बाद
कामना पूरी होने का इंतजार करें। बेहद जल्द आपकी उस कामना को शिवगुरु अवश्य पूर्ण करेंगे। और शिवगुरु से अपनी समस्या का समाधान का किस प्रकार आग्रह करें? मित्रों, देवी देवता भी अपनी समस्याएं लेकर भगवान शिव के पास जाते हैं। आप भी उनसे अपना समाधान का आग्रह कर सकते हैं। इसके लिए सुविधाजनक स्थिति में शांत मन से बैठना होगा और 16 बार उसी प्रकार से गहरी सांस लेनी होगी। फिर शिव गुरु से समस्या का समाधान आग्रह कहें कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरा नमन स्वीकार करें, मुझे अपनी शरण में लें, मुझे शिव ज्ञान दें, मैं विपत्तियों, व्याधियों, समस्याओं से आहत हूँ, मुझे समस्या मुक्ति की राह देकर सफल व सुखी कर्म योगी बनाएं, आपका धन्यवाद। इसे 3 बार दोहराएं, फिर पूरे विश्वास के साथ शिव गुरु की तरफ से समाधान का इंतजार करें। मित्रों, यकीन मानिए, यह विधि और यह प्रक्रिया इतनी अटल है कि कोई भी गुरु इससे अधिक आपको नहीं दे पाएगा। शिव गुरु सबके गुरु हैं। गुरुओं के गुरु भगवान शिव हैं और उनका इंतजार करें, उनके सवाल का, उनके जवाब का और उनके न्याय का इंतजार करें। अवश्य आपके लिए जो भी सटीक होगा, जो भी सरल होगा और जो भी उचित होगा वह अवश्य होगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ संपूर्ण जानकारी आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी मन में कुछ भी प्रश्न है, कुछ भी हमसे पूछना चाहते हैं तो बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी सेवा में तत्पर तैयार हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द किसी अन्य वीडियो के साथ, किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाज़त चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।